बहुत सारे OTT आ चुके हैं, बहुत सारा कंटेंट डिवाइड हो चुका है, जैसे अपन को समझ नहीं आता देखना क्या चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए मैं अपना नया सेगमेंट लेके आ रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है बिंज पॉइंट। हाँ, क्रिएटिविटी नहीं है मेरे में, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद होगा जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे बेस्ट मूवीज एंड शोज रेकमेंड करना। तो आज हम सोनी लिव से बेस्ट वेब सीरीज सजेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें हिंदी डब सीरीज भी होंगी एंड सिंपल ओरिजिनल इंग्लिश में भी होगी, लेकिन क्वालिटी होगी बॉस। एंड हमारे बिंज पॉइंट सेगमेंट के स्पॉन्सर है शेयर करो भैया। तो अभी सोनी लिव की बात हो रही है तो तुम्हारे पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी तो होना चाहिए। तो शेयर करो भैया, देंगे तुम्हें 299 रुपीज में सोनी लिव प्रीमियम 4K सब्सक्रिप्शन तुम्हारे ही फोन नंबर पर। मतलब जो सब्सक्रिप्शन 1500 रुपीज का है प्रीमियम 4K, वो तुम्हें सिर्फ 299 में मिलेगा। ये यार, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शेयर करो भैया को, कॉन्टेक्ट करो। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई जो सबसे पहले अपनी सीरीज है जिसे देख के पाजी मैं तो दीवाना बन गया, मेरे को तो नजारे आ गए। स्टीफन हॉकिंग भैया की चैपल वेट, जो कि एक बुक और एक नॉवल पे बेस्ड है, जेरूसलम स्लॉट या फिर सलाम स्लॉट। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी एंड तभी से मेरी ये वॉच लिस्ट में है। अब जाके मुझे टाइम मिला ये सीरीज देखने का एंड मजा आ गया भाई। इसका सिर्फ एक ही सीजन है, दूसरा सीजन आना नहीं है। एंड कहानी ब्यूटीफुल, मिस्ट्री, हॉरर, सस्पेंस सब कुछ है, क्योंकि ये एक हॉरर सीरीज है जहाँ पे चार्ल्स अपनी फैमिली प्रॉपर्टी पे वापिस पहुंचता है एंड अपने कर्स को फेस करता है। उसके फैमिली पे शराब वगैरह है, क्यों है वो तुम्हें सीरीज में पता चलेगा, बट देख के मजा आ जाएगा भाई, हॉरर तो मजा। फिर है अपनी लकी हैंक। लकी हैंक एक कॉमेडी सीरीज है जिसमें अपने बेटर कॉल सॉल वाले भैया भी हैं। अब देखो ये सीरीज की कहानी एक फुद्दू से शहर की, फुद्दू की यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर प्रोफेसर है अपने हैंक भैया, जो कि काफी अनलकी है। लकी है मतलब वो मिड लाइफ क्राइसिस में आ चुके हैं क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं। फुद्दू से मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होना कैसा लगता होगा। साइड में फैमिली वगैरह प्रॉब्लम्स भी है एंड कॉमेडी तो भैया बहुत ही प्यारी है। एंड इसका भी शायद सीजन 2 ना आए, सीजन 1 अभी स्ट्रीम हो रहा है सोनी लिव पर। तीसरी है डिस्कवरी ऑफ विचेस भैया, ये भी काफी इंटरटेनिंग है, मजेदार है, मतलब कोई टॉप नॉच आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। बेसिकली एक सुंदर पटाखा लड़की है, मतलब एक हिस्टोरियन है एंड चुड़ैल भी है, जादू विचक्राफ्ट, एंड वो अपनी जर्नी पे है एक बुक ढूंढने के लिए जिससे भाईचारे की भी जरूरत है। तो यहाँ पे डियाना और मैथ्यू के कैरेक्टर्स हैं जो मतलब जोड़ी बना के क्वेस्ट पे है एक बुक ढूंढने पे। ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग है एंड तुम्हें देखने में मजा आएगा। मिस्ट्री एलिमेंट्स थोड़े अच्छे हैं, मतलब जो एक ऑरा होता है ना सीरीज का वो काफी बढ़िया है। चौथी अपनी सीरीज द विंटर किंग, ये भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज नहीं है, लेकिन बहुत ही पुराने समय की कहानी है भाई, मतलब तब की जब इंग्लैंड बना भी नहीं था। लेकिन कहानी है आर्थर की, जो कि पहले बहुत ही योद्धा था, राजा बन सकता था, लेकिन अब मॉन्क बन जाता है, मतलब संन्यास ले लिया भाई। एंड इसकी पूरी एक जर्नी है, लाइफ इवेंट्स है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टेबल है भैया, मतलब देखने में मजा आता है। ये सीरीज जिन्हें भी मैं तुम्हें गिना रहा हूँ वो कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अच्छी जरूर है, जो तुम्हें देखनी चाहिए। कब तक स्ट्रेंजर थिंग्स वाली ऑडियंस बन के रहोगे, कुछ और भी देखो ना। देखो अपनी फाइनल सीरीज है एक पटाखा लॉयर के बारे में, जिसका नाम है इनग्रिड एंड सीरीज का नाम है द किलिंग गाइड। इनग्रिड एक बार एक बंदे को रिप्रेजेंट करती है जो कि खतरनाक बंदा है एंड उस पे स्टॉकिंग के एलिगेशंस लगे थे। चलो केस रफा दफा होता है, लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टॉकर भैया नहीं पढ़ते, उनका दिल अब इनग्रिड पे आ गया होता है। तो ये सीरीज काइंड ऑफ एक थ्रिलर सर्वाइवर सीरीज है जिसे देख के मजा आ जाता है। मतलब पता नहीं यार मुझे ऐसे शोज क्यों पसंद आते हैं जो पूरी दुनिया को नहीं आते हैं, लेकिन क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए, एक बार देख के तो देखो। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉगबस्टर इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।